तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और सोनी ने अनाउंस कर दिया है PS5 Pro। यस, आपने सही सुना है, PS5 Pro $799 का अनाउंस कर दिया है, जो कि लॉन्च हो रहा है 7 नवंबर को। यस, आप लोग खरीद सकते हो 7 नवंबर से, और इसका प्राइस, सॉरी मैंने 799 बोल दिया, क्या गलत है, $699.99 है, बट 799 लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको डिस्क वर्जन चाहिए होगा, राइट? तो डिस्क वर्जन जो है वो पड़ेगा $799 का। आपने बिल्कुल सही सुना है, $100 लगेंगे आपके अपग्रेड करने के लिए। वो जो डिस्क वाला जो पार्ट होता है वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, तभी आप उसमें डिस्क यूज कर सकते हो, मतलब सीडी यूज कर सकते हो। ऐसे आपको डिजिटल वर्जन मिल रहा है फॉर 699। अब क्या इंप्रूवमेंट है PS5 Pro में? तो तीन चीजों में मेजर इंप्रूवमेंट्स है, विच इज द अपग्रेडेड GPU, जिसमें 28% फास्टर मेमोरी यूज कर रहा है, 45% फास्टर रेंडरिंग फॉर गेम प्ले, और साथ ही साथ सेकेंड चीज है एडवांस रे ट्रेसिंग, मतलब आपको जो रिफ्लेक्शंस और रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट है वो बहुत ही ज्यादा लाइफ लाइक और रियल लुकिंग मिलेगी। और साथ ही साथ तीसरी चीज है AI ड्रिवन अपस्केलिंग, जिसका नाम इन्होंने दिया है PSSR, विच इज प्ले स्टेशन स्पेक्ट्रल सुपर रेजोल्यूशन, जो कि काइंड ऑफ वैसे ही वर्क करता है जैसे DLSS और FSR काम करता है, और इसको उन्होंने बोला है कि ये AI बेस्ड है। अब उनकी प्रेजेंटेशन में उन्होंने जितने भी PS5 के गेम्स थे उसमें उन्होंने दिखाया कि जो भी गेम PS5 पे फिडेलिटी मोड पे 30 FPS देते थे, वही गेम PS5 Pro पे आपको 60 FPS पे चल रहे हैं, परफॉर्मेंस मोड पे चल रहे हैं, बट क्वालिटी उनकी फिडेलिटी वाली है जो कि मिल रही है PS5 पे, और कुछ केसेस में तो उससे भी बेटर परफॉर्मेंस मिल रही है। Let's go. Showing something like fidelity levels of detail, but it doubled the frame rate. Doubled the frame rate. Part 2 running on PS5 Pro. Oh, bhai, double the frame rate. Amounts of detail and targets a super smooth 60 frames per second. Sahi baat hai, bhai, kya quality lag rahi hai, bhai. Compare this to the fidelity mode on PS5, which is only running at 30 frames per second, and is therefore much choppier. Fidelity वाले graphics आपको मिलेंगे performance mode में, तो PS5 Pro का performance mode कितना crazy होगा? Two consoles is to look at PS5 Pro versus performance mode on PS5. Okay. Both of which target 60 frames per second. Okay. What we see here is a difference in detail. PS5 Pro is much sharper and crisper than PS5. Bhai, Horizon kya sexy lag raha hai isme game? And the skin in cinematic. Bhai, ye wali game PS5 Pro pe khelo bhai, fidelity mode mein. What are the extra perks we are getting on PS5 Pro? कुछ भी नहीं, बस एक्स्ट्रा फ्रेम्स मिल रहे हैं, ज्यादा पावरफुल है, बस दैट्स इट। अगर आपको ज्यादा पावरफुल कंसोल चाहिए, गो फॉर PS5 Pro, नहीं चाहिए, गो फॉर PS5, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। जस्ट लाइक हाउ इट वॉज इन PS4, दैट्स इट, खत्म कहानी भाई, इतना दिमाग लगाया ही नहीं है। आप तो ले रहे हो ना PS5 Pro? क्या, मैं तो लूंगा, क्योंकि मुझे GTA 6 बेस्ट पॉसिबल फ्रेम रेट्स पे खेलना है, तो PS5 Pro अगर लेना पड़ेगा उसके लिए तो या व्हाई नॉट भाई, अपना ये वाला बेच दूंगा, PS5 Pro उठा लूंगा, क्या दिक्कत है। ये मेरे ख्याल से आराम से बिक जाएगा भाई, 30,000-20,000 में तो बिक जाएगा PS5। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये अपग्रेडेड परफॉर्मेंस जस्टिफाई करता है इतना हेफ्टी प्राइस टैग जो कि इंक्रीज हुआ है इन द PS5 Pro? अब आप कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये जस्टिफाइड है, क्या आप इंटरेस्टेड हो, क्या आप लोगे, और अगर लोगे तो कौन से गेम के लिए लोगे, और ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो PlayStation 5 Pro के इंतजार में थे, और इसी तरह की मजेदार गेमिंग न्यूज के लिए फटाफट फॉलो बटन दबा दो।